गाइज, ये सारे इमेजेस मैंने सिर्फ अपने फ़ोन के यूज़ करके बनाया है, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको मिड जर्नी या फिर स्टेबल डिफ्यूजन की तरह कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलो नहीं करना है और ना ही कोई डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है। फाइनली देयर इज एन वेबसाइट जिसे आप अपने फोन में ही यूज कर पाओगे और ऐसे डोप आर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ पॉम्प डाल के। और कैसे आप इस तरह की AI आर्ट बना पाओगे और खुद का AI अवतार जनरेट कर पाओगे, वो मैं आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आपको गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है CR.AI और लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छे अच्छे आर्ट्स कुछ लोगों ने क्रिएट करके रखा है, ठीक है। जैसे ये वाला है और आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि लैंडस्केप आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, और आर्किटेक्चर भी आप डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारा चीज़ें आप इस सॉफ्टवेयर के यूज़ करके कर पाओगे। ओके, तो आप बात करते हैं कैसे आप इस सॉफ्टवेयर के यूज़ करके आर्ट जनरेट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे जाना होगा 3 डॉट पे और यहाँ पे आपको जनरेट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। ओके, तो लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है जो कि आपको सिलेक्ट करना है किस तरह के आप आर्ट जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक है गेम, लैंडस्केप, आर्किटेक्चर और नेचर टेक्नोलॉजी, ओके, और फूड का भी मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आप स्टार्ट यूजिंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज और कंट्रोल नेट। और इस वेबसाइट का एक खास बात मैं बता दूँ कि ये सिंपल लैंग्वेज समझ सकता है, ठीक। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालूंगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सिंपल सा प्रॉम्प्ट डॉग एस्ट्रोनॉट में डालता हूँ और यहाँ पे आप सेटिंग में जाके एस्पेक्ट रेशियो भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हो कि किसी और मतलब कि डिस्प्ले के लिए बनाना चाहते हो, वॉलपेपर क्रिएट करना चाहते हो, वो भी आप कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पे जनरेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला था डॉग एस्ट्रोनॉट इन ए स्पेसशिप। तो यहाँ पे मुझे 3 वेरिएशन बना के दिया है, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में यहाँ पे बता दूँ। आप मान लो कि प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो और आपके पास वही खतरनाक वाला बैकग्राउंड बनाने के कोई रिसोर्सेज करेंटली नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसका एक सिंपल फ़ोटो ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक सिंपल बॉटल का फ़ोटो है। अब उसे मुझे एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड में डालना है, तो मैं इस AI को यूज़ करके सिंपली वो भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे कंट्रोल नेट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना इमेज जो है वो आप यहाँ से फाइल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि ये वाला जो बॉटल है इसको, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपल एक बॉटल है, इसको मुझे क्रिएटिव फोटोग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक मैं प्रॉम्प्ट डालूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट डाल दिया है कि चेंज दिस बॉटल बैकग्राउंड टू ए ड्यून सनसेट प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल जो है सिंपल आपको रखना होगा और टाइप आपको यहाँ पे एक चूज़ करना होगा जो कि है, मैं चूज़ करता हूँ ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली सब कुछ ठीक है, सिंपली मुझे जनरेट पे क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छे से उसने बैकग्राउंड को चेंज किया है और एक डिफरेंट डिसेंट सा बैकग्राउंड जो है यहाँ पे यूज़ किया है और लेंस फ्लेयर भी यूज़ किया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि किसी ने प्रोफेशनली फोटोग्राफी किया है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि कैसे आप खुद का AI अब तक जनरेट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं जो प्रोसेस यहाँ पे बोलूँगा आपको सेम वही रखना है, नहीं तो मतलब कि ठीक ठाक नहीं बनेगा, आप मुझे बाद में गाली दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे सिंपली कंट्रोल नेट पर जाना है और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड कर लेना है खुद का। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक फ़ोटो जो है अपलोड कर देता हूँ, मेरा ये फ़ोटो है। यहाँ पे AI जो है बेसिकली फ़ोटो को थोड़ा सा एनालाइज करेगा। अब यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट एक एंटर कर देना है, जैसे कि मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ चेंज बैकग्राउंड साइबरपंक हैंडसम बॉय रियलिस्टिक फेस। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और कुछ एडिशनल चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि 8K रेजोल्यूशन में अगर आपको चाहिए, अल्ट्रा रियलिस्टिक, ये सब कुछ हो गया। आप जो है बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हो अपने फ़ोटो को डिफरेंट बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मॉडल हमारा क्या होगा, RV एनिमेटेड जो है सिंपल हम वही रखेंगे और टाइप को हमें थोड़ा सा चूज़ करना होगा। देखा, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप जो है चूज़ कर सकते हो कि आपको किस टाइप का आर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है कैनी सिंपली जो है फास्ट हमारा टाइप वही मैं चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे सब कुछ सेम ही रहने देते हैं। अब हमें बस क्या करना होगा, यहाँ पे जनरेट कर देना होगा।
तो यहाँ पे मैं पहले ट्राई कर रहा था वो वाला एक फ़ोटो है, अब यहाँ पे ये ऊपर जो है प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ओके, यहाँ पे मेरे पास जो है चार वेरिएशन बन के आ गया है, तो यहाँ पे मुझे इस चार में से तीन वाला जो वेरिएशन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली थ्री नंबर जो है उसको अपस्केल करूँगा, तो यहाँ पे U3 में करूँगा और इसको मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो यही है यह अवतार बनाने का प्रोसेस, ठीक है। देखो ये जो वेबसाइट है करेंटली बेटा वर्जन में है, तो ये करेंटली सबके लिए फ्री है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पेड हो जाए, तो आप अपने हिसाब से जो है सब्सक्रिप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कैसे आप इस AI टूल के यूज़ कर पाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट आर्ट बना पाओगे और किसी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर पाओगे। और अगर आपको मोबाइल फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।